नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं नेशन भारत। पटना के डाक बंगला चौराहा पे मैं मौजूद हूं। मैं ये तस्वीर इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि आज तेजस्वी यादव अपने जन समर्थक के साथ पूरी जन सैलाब के जन समर्थक आए हैं, वहां एकजुट होकर और डाक बंगला पहुंचेंगे। उसी विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शांतिपूर्ण से प्रशासन के द्वारा से काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई है। और आप तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ काफ़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, यहाँ पे अधिकारी भी मौजूद हैं। और जो देख सकते हैं कि वाटर कैनन की गाड़ी यहाँ पे मौजूद है। ये डकबंगला चौराहा है, पटना का काफ़ी मशहूर जगह है। यहाँ से ट्रैफिक देख कर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ भीड़ होती है। और जब तेजस्वी यादव अपने जन समर्थक जन सैलाब के साथ यहाँ पहुँचेंगे तो डक बंगला का दृश्य नज़ारा ही बदल जाएगा। उसको लेकर प्रशासन के द्वारा मजिस्ट्रेट साहब भी यहाँ मौजूद है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर से, सर यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिस तरह से तेजस्वी यादव थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे, आप क्या कहेंगे कि किस तरह से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था रखा गया है? रूल ऑफ लॉ चलेगा, चाहे कोई भी हो। सर, आदेश दिए, परमिशन नहीं मिलने के बाद भी जिस तरह से तेजस्वी यादव अपने जन समर्थक के साथ आएंगे यहाँ पर, तो उसके बाद आप लोग सर क्या एक्शन लेंगे? भाई हम लोग रोकने की किस तरह के काम करेंगे? मैंने पहले ही कहा कि रूल ऑफ लॉ चलेगा। कोई भी आए, अगर उनको खुद नहीं समझ में आती है, किसी को भी, किसी दल को भी, कि हमें क्या करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे जो विधि सम्मत कार्रवाई है, विधि सम्मत तौर तरीके हैं, वो हम लोग अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब से हमारी बात हो रही थी। इनका साफ तौर से कहना है कि जो लोग कानून का पालन नहीं करेंगे उनके ऊपर जो भी एक्शन लेना होगा हम लेंगे। तेजस्वी यादव को हालांकि डीएम के तरफ से कोई परमिशन नहीं दिया गया है रोड पर जन सैलाब के साथ निकलने के लिए या बिहार विधानसभा का किसी तरह का घेराव करने के लिए, तो उसके लिए परमिशन लेनी होती है, लेकिन परमिशन नहीं दिया गया प्रशासन के तरफ से। उसके बावजूद भी आज तेजस्वी यादव आरजेडी के तमाम जन समर्थक तमाम 38 जिलों से बिहार के पहुँचे हैं पटना, और जेपी गोलंबर पर एकजुट होकर थोड़ी ही देर में पटना के डकबंगला चौराहा पर पहुंचेंगे। मैं तस्वीर दिखा रहा हूं कि यहां पर किस तरह से प्रशासन की गाड़ी लगी हुई है, काफ़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त प्रशासन है और काफ़ी तरह से बेहतर ढंग से तैयार है। और थोड़ी ही देर में जैसे ही तेजस्वी यादव पहुँचेंगे यहाँ अपने जन समर्थक के साथ, उसके बाद देखा जाएगा कि प्रशासन के द्वारा क्या एक्शन लिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।